UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये देश का सबसे ठोस और स्ट्रिंजेंट कानून माना जाता है। इस UAPA एक्ट को आतंक से निपटने के लिए खासकर पार्लियामेंट में लाया गया था। UAPA एक्ट जो है वो अब आतंकियों के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये UAPA एक्ट जो है वो अब लग जाता है आम जनता पर, न्यूज रिपोर्टर्स पर, कोई अगर आतंकियों के खास उठा ले उस पर। अब जो है इस कानून का जो मतलब है वो बदल चुका है, और ये UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट अब उन लोगों पर लागू हो जाता है जो कि सरकार से सवाल कर लें, या फिर अगर कोई जो है वो किसी दूसरे देश के टीम को सपोर्ट कर दे, क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर दे, कोई न्यूज रिपोर्टर जर्नलिस्ट सच्चाई और फैक्ट के साथ अगर न्यूज वो सामने ला दे, तो इन सब लोगों पर अब UAPA एक्ट लग जाता है। दिल्ली के लॉयर्स ने जब त्रिपुरा की सच्चाई और वहां के हालात को दिखाना चाहा तो वकीलों पर UAPA एक्ट लग गया, है ना, कमाल की बात है। हमारे न्यू इंडिया का नया UAPA यानी के अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो यहाँ जो धर्म सांसद के नाम पर धर्म गुरु हिंदुत्व के ठेकेदार जो इतनी बड़े बड़े बयान दे रहे हैं उन पर UAPA एक्ट नहीं लागू होता, लेकिन अगर त्रिपुरा को लेकर कोई एक ट्वीट कर दे, दो से तीन वर्ड लिख दे कि त्रिपुरा इज इन डेंजर, तो उस पर UAPA एक्ट लग जाता है। तो यह है हमारे न्यू इंडिया का नया UAPA एक्ट। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी एक छोटी सी अपील, मेरे YouTube चैनल शाजन उजार ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में मेरे FB पेज शाजन उजार ऑफिशियल, दोनों ही सेम नाम से है, दोनों को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, बहुत शुक्रिया। तो इन धर्म के और हिंदुत्व के ठेकेदारों को देखिए, और ये जो बोल रहे हैं ये पूरी सोशल मीडिया में वायरल है। मैं ये दिखाना नहीं चाहती क्योंकि ये जो हैं गलाजत उगल रहे हैं, गोबर उगल रहे हैं, तो मुझे इनको दिखाना नहीं है, सिर्फ मैं बोलूँगी। और इनका साथ देती हुई पुलिस, जो कि पुलिस का काम होता है कि हमारे समाज को गंदगियों से महफूज रखना, चोर चक्कों गुंडों से महफूज रखना, लेकिन पुलिस कर क्या रही है वो भी देखिए। तो इन सारे ढोंगी बाबाओं की हिम्मत जो है वो क्यों ना बढ़े, जब पुलिस खुद इनकी हिम्मत अफजाई कर रही है, खुद इनका हिम्मत बढ़ा रही है, तो क्यों ना ये इस तरह से उछल उछल कर इस तरह से नफरती बयान देंगे, है कि नहीं। तो इन सारे ढोंगी बाबाओं ने, हिंदुत्व के ठेकेदारों ने मुसलमानों और कुरान शरीफ और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ शिकायत दर्ज की। पहले तो इन ढोंगी बाबाओं ने धर्म सांसद के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया। धर्म सांसद का क्या मतलब है कि आप अपने धर्म का प्रचार करेंगे, ना कि दूसरे के धर्म को गाली देंगे और दूसरे के धर्म के लोगों को काटने और मारने का एक जो है वो प्लानिंग करेंगे। धर्म सांसद का मतलब क्या होता है। और इन लोगों के इस बयान को लेकर शिकायत भी दर्ज की गई थी, ना ही उस पर कोई अमल ना एक्शन, जैसे कि सांप सूंघ गया वो, कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। हरिद्वार के इस नफरती भाषण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की गई। हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज समेत 76 वकीलों ने CJI रमन्ना को लेटर लिखा, लेटर आप देख सकते हैं, लेकिन इस लेटर लिखने के बावजूद कोई आवाज नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, बिल्कुल सुकून और शांति, कोई खबर नहीं, कोई एक्शन नहीं। हरिद्वार कोतवाली के SHO राकेंद्र तकठैर को शिकायत पत्र यानी कि कंप्लेन लेटर सौंपा गया, वो भी उस SHO की दलाली देख लीजिए, वो खुद आकर आश्रम में कंप्लेन लेटर कलेक्ट करते हैं, ये लोग कोतवाली नहीं जाते, राकेंद्र कठैर जो हैं वो खुद आश्रम आकर कंप्लेन लेटर कलेक्ट करते हैं बाकायदा से। दलाली का लेवल देखिए, ये है हमारी पुलिस, जिनका काम है कि इस तरह के आतंकवादियों को रोकना, जो इस तरह के नफरत फैलाने वाले बयान दे रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना, लेकिन ये क्या करें, हंसते मुस्कुराते हुए आकर कंप्लेन लेटर जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं, और जो हमारे जो सारे जो ढोंगी बाबा आपको दिख रहे हैं मुस्कुरा कर कह रहे हैं अरे ये तो हमारी साइड के ही हैं, और सब मिलकर आपस में हंसते भी हैं। अब तक इन जैसे लोगों को जेल में होना था, लेकिन मुझे ये जानना है कि UAPA एक्ट का क्या हुआ, अब तक इन लोगों पर UAPA एक्ट क्यों नहीं लगा। UAPA एक्ट इन लोगों पर इसलिए नहीं लगा क्योंकि सरकार खुद चाहती है कि ये नफरत का खेल जो है वो आगे बढ़े, इसलिए इन जैसे नफरती बाबाओं ढोंगी बाबाओं को खुली छूट दे रखी है धर्म सांसद के नाम पर। और जब पुलिस खुद इनके घर जा जाकर लेटर कलेक्ट कर रही है तो जाहिर है इनका फुदकना, ये तो फुदकेंगे ही, है कि नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग किस मुंह से संवैधानिकता की बात करते हैं, क्या ये होती है संवैधानिकता। जेल में सड़ने के बजाय ये लोग खुले आम घूम रहे हैं और नफरत का बाजार माहौल में गर्म कर रहे हैं।
जिस तरह रोहिंग्या में मुसलमानों के साथ जो कत्लेआम का बाजार गर्म हुआ था, ठीक ये इसी तरह का बाजार यहाँ पर गर्म करना चाहते हैं। और ये लोग जो अटेंड कर रहे हैं ना जेनोसाइड के, ये सिर्फ मुसलमानों को डराने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान डरता नहीं, ये बता दूं आपको, मुसलमान डरता नहीं। मुसलमान खामोश जरूर है, खामोश इसलिए क्योंकि उसे अपने मुल्क में अमन और सुकून चाहिए, लेकिन हाँ जब एक्शन होगा तो उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन जरूर होगा, ये याद रखिए, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो डरता नहीं। और रिएक्शन का मतलब मेरा गलत मत लीजिएगा, मैं कोई यहाँ पे फसाद की बात नहीं कर रही, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर कोई आपको मारने आता है या आप पर हमले होते हैं तो आप अपना बचाव जरूर करते हैं, तो लोग अपना बचाव भी करेंगे, ये याद रखिएगा। और हमारे मोदी जी जो हैं उनकी खामोशी ये साफ तौर पर और खुले तौर पर ये जाहिर कर रही है कि ये जो हेट स्पीच और जेनोसाइड है अगर ये सिविल वॉर की शक्ल ले लेती है तो हमारे मोदी जी जस्ट डोंट केयर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पावर आपके हाथ में, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। जब एक छोटी सी स्पीच के लिए बड़े बड़े इकदाम किए जा सकते हैं तो यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी स्पीच हो रही है और सरकार की खामोशी ये इशारा करती है कि आप शायद ये चाहते हैं और आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है, ये भी जनता चाहती है क्योंकि जनता यहाँ बेवकूफ नहीं बैठी। खैर मेरा तो ये मानना है कि इन सब नफरत के खेल में कुछ नहीं लिखा, अपनी जिंदगी जियो और दूसरों को भी पूरा इख्तियार है कि वो भी अपनी जिंदगी जिए, ना तुम दूसरों की जिंदगी में दखल दो ना दूसरा तुम्हारी जिंदगी में दखल दे, तो सबको हंसी खुशी अपनी अपनी जिंदगी गुजारने का पूरा हक। और तो हिंदुस्तान के सभी धर्म और सभी मजहब के लोगों को अपने तरीके से अपने खुशहाल जिंदगी गुजारने का पूरा अधिकार है, जिस तरह आप लोगों को है, ना आप उनकी जिंदगी में दखल दीजिए ना वो आप लोगों की जिंदगी में। और रहा दूसरे धर्म के लोग, कभी किसी के मामले में दखल अंदाजी करते ही नहीं, ये अभी अचानक हिंदुत्व खतरे में आ यहाँ हिंदुत्व के ठेकेदार खड़े हो गए, इतने सालों से इतने जमाने से तो कभी हिंदुत्व जो है वो खतरे में आया ही नहीं। और फिर वही बोलूंगी कि सरकार आपकी, पुलिस आपके हाथ, सारा जो है वो सिस्टम आपके हाथ, फिर कैसे हिंदुत्व खतरे में आ सकता है, ये तो इम्पॉसिबल बात है, किस बच्चे को समझा रहे हैं यहाँ, तो मतलब इलॉजिकल। खैर अपनी बात ख़त्म करूँगी कि यूनिटी जो है वो कायम रखिए, अगर यूनिटी कायम रहेगी तो इन जैसे नफरत के ठेकेदार फेल होंगे, तो बी यूनाइट। एक छोटी सी अपील, शाज़र नुज़ार ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में मैंने FB पेज शाज़र नुज़ार ऑफिशियल को जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, आपकी सपोर्ट की मुझे जरूरत है। थैंक यू।